साथियों, ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 वर्ष तक है और जिनकी कमाई मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। योजना का हिस्सा बनने के लिए आपसे हर महीने 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक का मामूली अंशदान लिया जाएगा। कोई किसी का 55 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 100 होगा। और आपको कितना योगदान देना है ये आप आज किस उम्र के हैं इसके आधार पर तय करेगा होगा। जितना आप अंशदान देंगे, आज आप जो कुछ भी कमाते हैं आपकी मेहनत की कमाई करते हैं, सरकार उसमें कुछ डालती नहीं है, लेकिन ये योजना ऐसी है कि आप इसमें जितना अंशदान देंगे उतने ही पैसे मोदी सरकार भी जमा करवाएगी। अगर आप हर महीने 100 रुपया देंगे तो हम भी उनमें 100 रुपया नया और डालेंगे। अगर आप हर महीने 110 रुपया देंगे तो हम भी 110 रुपया डालेंगे। अगर आप हर महीने 150 रुपया देंगे तो हम भी इसमें 150 रुपया डालेंगे। और साथियों, हमने ध्यान रखा है कि आपको ये सुविधा लेने के लिए कोई ज्यादा कागज वागज के चक्कर में न पड़ना पड़े, क्योंकि ये योजना पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घर में काम करता हो, मजदूरी करता हो, खेत में काम करता हो, कारखाने में काम करता हो, सबके लिए है। योजना का हिस्सा बनने के लिए बस मेरे श्रमिक साथियों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा, वहां एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपके आधार नंबर और बैंक में जो जनधन खाता है उसकी जानकारी चाहिए। बाकी कोई कागज आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। आपका काम सर्विस सेंटर पर सिर्फ कुछ ही मिनट में हो जाएगा। और यही तो है डिजिटल इंडिया का कमाल। डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले, उसे गंभीरता से न लेने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, 2014 से पहले देश में जहां लगभग 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, वहीं अब हमारी सरकार में इनकी संख्या बढ़कर के 3 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यही सर्विस सेंटर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले कामगार साथियों की सहायता करेंगे। भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि कॉमन सर्विस सेंटर में प्रक्रिया पूरी करने के दौरान आपको इस प्रक्रिया का एक नया पैसा देना नहीं है। वो जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो मेहनत करता है उसको जो खर्च होता है उसका पैसा भारत सरकार दे देगी, आप मत देना, ये याद रखना। 30 रुपया जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके जेब से देना न पड़े। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते हैं, 15,000 से कम कितना कमाते हैं, 9,000 की, 11,000 की, 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आपकी ईमानदारी पर भरोसा है। और मेरा देश के मजदूरों पर, देश के गरीबों की ईमानदारी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। साथियों, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने अंशदान की पहली किस्त वहां नकद जमा करानी होगी, पहली किस्त। और उसके बाद हर महीने आपके बैंक खाते से आपका अंशदान कटता रहेगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपके खाते से पेंशन का अंशदान कटा है, इसका संदेश आपके मोबाइल फोन पर आपको मिल जाया करेगा। भाइयों और बहनों, इतना भर करने से आप 60 वर्ष के बाद कम से कम, ये ज्यादा भी लिया जा सकता है, कम से कम 3,000 रुपये की नियमित पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर दुर्भाग्य से किसी कामगार साथी की 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है और उसके पेंशन खाते में फंड है, तो उसका पति या उसकी पत्नी अगर वो चाहते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वैसे तो इस योजना से कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि भाई मैंने इतने साल तो किया लेकिन मुझे अब रहना नहीं है, मुझे निकल जाना है, तो उसके लिए भी सुविधा है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस दिन हट जाना चाहते हैं तो आपने जितना पैसा जमा किया है वो उपरांत आपको बचत खाते का जो ब्याज मिलता है वो ब्याज समेत वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा।